रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफती, तहजीबी, फलाही, तिब्बी, फन्नी, माशी, तजारती, माशरती, इंतजामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहकीकी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल। हाजिरी ये हमारे आज के साहिबान एजाज थे। एकेडमी ने इस शहर के इस शहर से नौ रत्नों का इंतखाब किया। मैं चाहूँगा कि उनकी तरफ से भी नुमाइंदगी हो जाए। एकेडमी के एजाज पाने वालों में ज़हीर कुदसी साहब भी हैं, हमीद साहब भी हैं, सीनियर सराज बिलार साहब यहाँ आ नहीं सके, फैजी साहब भी हैं, आसिफ फैजी साहब भी हैं। तो मैं चाहूँगा कि हमीद साहब जो हैं वो न सिर्फ अपने मुतालिक बल्कि तमाम के मुतालिक इस शहर की नुमाइंदगी करते हुए इजहार ख्याल कर दें, उसके बाद हम अगले मरहले पर पहुँचते हैं। मैं हमीद साहब से दरख्वास्त कर रहा हूँ। और दीगर सामने करें, अब वो ये कि मैं अपने बारे में क्या कहूँ, जिन्हें कहना था उन्होंने तो कहा नहीं, मैं खुद अपने बारे में क्या कहूँ। जैसे कि इमरान जमील साहब तारुफ पेश कर रहे थे, इधर रब्बानी पेश कर रहे थे, उन्होंने मेरा नाम ही नहीं। अब मैं अपने बारे में खुद क्या कहूँ, ये तो अपने मुंह नहीं मिट्टू बना। नहीं, वो तो है, वैसे नाम भी लिखा है साहब ने लिखा है, उन्होंने बहुत शुरू हुआ। नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ ना सर, जैसे कि इन लोगों ने ये कहा कि भाई मैं हम साहब एजाज हजरात का, हाँ तो वो खैर चलिए, वो निपट लूंगा मैं इन दोनों से बात। तो मैं अपने बारे में मुख्तसर ये बता रहा हूँ कि मैं तालीमी एतबार से मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है, डीई किया है, उसके बाद बीए किया और दीगर असनाद भी हैं, लेकिन अब उसके जिक्र का वो कोई वक्त नहीं है। दूसरा एक ड्रामे का शौक मुझे स्कूल के ज़माने से बहुत था, लेकिन उस वक्त ये था कि मुझे डांट करके बैठा दिया जाता। अब ये क्यों, ये मुझे नहीं मालूम। एक बार प्रोफेसर नज़ीर अंसारी साहब मरहूम, ये एक ड्रामा कर रहे थे जो एमएससी के ग्राउंड पर, जो वहाँ पर सोशल गैदरिंग होती थी हर साल, उसमें वो खेला जाता था। उन्होंने ड्रामा उसकी स्क्रिप्ट मराठी की थी, उसका तर्जुमा उन्होंने किया था, बात एक हाथ की, ये ड्रामा। तो मैं बहुत जोश में था, मैंने हाथ उठाया और सर हाथ उठाए तो मैं खड़ा हो गया, सर मैं भी। उन्होंने बहुत बुरी तरह डांट दी, बैठे मैं बैठ गया। तब से मैंने एकदम नर्वस हो गया था। मैं समझता था कि शायद मेरे उस्ताद जब वो खूब मुझमें नहीं पाते तो दीगर से मैं क्या कहूँगा, क्या बताऊँ तुम्हें कि मुझे क्या आता। तो ये तो फिर वो रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज में जहाँ हम पढ़ते थे वहाँ, फिर रेलवे में मैं आया, वहाँ पर कुछ दोस्तों ने मुझे बहुत प्रोव किया कि भाई चलो तुम करो, तुम कर सकते हो। तो मैंने किया, वहाँ पर ग्रीन डे का हिंदी ड्रामा था रोटी, उसमें मैंने किया था काम। उसके बाद मैंने खुद अपना एक ड्रामा लिखा था जो कि हमारे सिलेबस की कहानी भी थी, और वहाँ पर कोई लिखने वाला मौजूद नहीं था, और उर्दू ड्रामा को कोई वहाँ पर पसंद भी नहीं करते थे लोग, बहुत ज़्यादा हिंदी का माहौल था। तो मैंने उसको लिखा था, वो कहानी को मैंने ड्रामाटाइज किया था, और वो उस कहानी का अनुमान था जो वही ड्रामे का अनुमान था, लड़का पसंद है, ये एक कहानी थी। उसी को मैंने उसको बहुत सराहा गया। फिर उसके बाद तो ये हुआ कि मेरे पास बहुत ज़्यादा
लोगों की फरमाइशें आने लगी, मुझे लिखिए आप बहुत अच्छा लिखते हैं। और एक मरतबा ये मेरी खुशनसीबी है, खुशकिस्मती है कि गिरीश डे साहब जो कलकत्ता में रहते थे वो भोपाल तशरीफ लाए और उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि यार तुम हिंदी में कोई ड्रामा लिखो। मैंने कहा नहीं सर, वो हिंदी मेरे जबान भी नहीं है और उसके ताल्लुक से मैं भी बहुत जल्द। अरे बोले ड्रामे का मामला है, ज्यादा फिक्र मत करो, वहां को कोई अदब उदब नहीं देखता, ड्रामे में कोई अदब नहीं देखता। ड्रामे में असल में कहानी लोग देखते हैं और कैरेक्टर्स को देखते हैं कि कैरेक्टर किस तरह उसको पेश कर रहे हैं। अब तुम कहीं अदबी तौर पर जबान की गलती कर जाओ तो उस पर कुछ ज्यादा लोग तवज्जो देते हैं, तो इस तरह से। लेकिन मेरी जिद थी कि नहीं मैं लिखूंगा तो अदबी नहज पर ही लिखूंगा। और मैंने लिखा था कनेर के फूल, कनेर के फूल, ये इसके ताल्लुक से एक बड़ी कहानी है जो मैंने अक्सर वहां सुनी थी लोगों से, वो उसी को मैंने ड्रामेटाइज किया था उस कहानी को। रिवायत ये है कि नाजायज हमल और लड़कियों को खास तौर से वहां पर दुख्तरकुशी का एक नया तरीका था कि कनेर के पौधे की जड़ उसका रस निचोड़ करके बच्ची को चटा दिया जाता था, नौजायदा को, वो मर जाती थी। और जो नाजायज तौर पर जो हमला हो जाती थी लड़कियां, वो भी उस कनेर की जड़ को पी करके, उसका रस पी करके वो जाया कर देती थी उसको, हमल को। ये कहानी और ये बातें वहां की रिवायती बातें, ये सब सुना था मैंने और उसको किया था। तो आज भी वो स्क्रिप्ट माधुरी साहित्य निकेतन में, वहां दिल्ली में है वो, पहले माधुरी एक पर्चा निकलता था तो उसी का वो अदारा है, माधुरी साहित्य संस्थान है कि क्या है सब, तो उसमें वो उसको मेरे रिकॉर्ड में मेरा वो स्क्रिप्ट मौजूद है आज है। और उन्होंने कई मरतबा मुझे लिखा भी। अब मुझे इकबाल बद्की साहब का एक बात याद आई, उन्होंने मेरे ड्रामे के ताल्लुक से लिखा था, वो अभी किताब में शायद हो रहे तब से। तो इकबाल बद्की साहब ने जो कहा था ये बात मैंने शेक्सपियर के ताल्लुक से भी पढ़ा और दीगर ड्रामा लिखने वालों के ताल्लुक से भी पढ़ा था, तो उनके ताल्लुक से अक्सर कहा गया कि ड्रामा निगार का असल फन और उसका लिखने का जो पूरी तरह ड्रामा निगार सामयिक के सामने, नाज़रीन के सामने उसी वक्त आ सकता है जब वो फुल लेंथ प्ले लिखे। और मेरे शॉर्ट एक्ट प्लेज हैं सर, वन एक्ट प्लेज हैं, और ये वन एक्ट प्लेज लिखने की एक दूसरी वजह सर, मैंने उसके बाद अभी जल्दी आपकी ही बात को मद्देनजर रखते हुए मैंने फुल लेंथ प्ले लिखने की कोशिश किया, लेकिन वो एक स्क्रिप्ट तक भी महदूद हो, और ऐसे कुल मैंने 14 स्क्रिप्ट लिखे अभी जल्दी। तो ड्रामा इसलिए कम ही निकल रहा, मातूब सिंफ है अदब की बहुत, हाँ जी। तो अब देखिए ना, अभी पिछले दिनों मैंने पढ़ा था, मेरे खालिद कुरैशी ने मुझे वो एक क्या व्हाट्सएप पर वो बताया था कि एक ड्रामा नवीन ने से कहा उसके चाहने वाले ने कि यार तुम अपनी किताब शाये करो, इतने अच्छे ड्रामे लिखते हो किताब शाये करो। उसने जवाब दिया था कि मैं तो आपके कहने पर 1,00,000 किताबें शाये कर दूं, तो मुझे एक उसका रीडर ला करके, उसका एक तारी ला करके दो, मैं 1,00,000 किताबें छापूंगा। तो असल में ड्रामा को पढ़ता भी नहीं, ये सिर्फ कॉलेज में मजबूरन पढ़ते हैं लोग, प्रोफेसर साहब बैठे हैं यहाँ पे, हजरात बैठे हैं, प्रिंसिपल साहब भी मौजूद है, ड्रामा पढ़ाया जाता है मजबूरी में, पढ़ा जाता है मजबूरी, वो सिलेबस में है भाई, वो पढ़ना ही है और पढ़ाया जाता है। शेक्सपियर को भी कितनी मजबूरी में पढ़ाते हैं लोग, वरना बैकबैक जिसका आपने वो तर्जुमा किया था, वो ड्रामा वो स्क्रिप्ट उसका आज भी इंग्लैंड के ग्लोब थिएटर में मुसलसल 48 वर्षों से खेला जा रहा है, 48 वर्षों खेला जा रहा है, क्योंकि उसको चाहने वाले, उसको पसंद करने वाले लोग हैं मौजूद। तो जब तक कारी ना मिले लिखने वाले को, तो लिखने वाला क्या लिखे सर, क्या लिखे, क्यों लिखे। अब मैं इतना बड़ा राइटर तो मैं शेक्सपियर नहीं हूं, मैं इम्तियाज अली ताज नहीं हूं,
है ना, तो मैं क्या करूंगा, लिख करके बस जाया कर देते हैं या कभी एक बार मौका मिला तो खेल लेते हैं। वरना यहां मालेगांव में जनाब आप जानते होंगे, आप कुच्ची साहब आप लोग भी जानते, एक थे ड्रामा लिखने वाले, बड़े अच्छे ड्रामा लिखते थे, वो थे जिया ड्रामाटिस्ट, बहुत अच्छे ड्रामे लिखते थे। लेकिन क्या था, उनका कोई ड्रामा अब तक स्टेज नहीं हुआ, लेकिन उनकी स्क्रिप्ट भी शायद ना हो, आज ना हो। उसके बाद थे खुर्शीद खलीफी सर, ये एक नंबर स्कूल के हेडमास्टर भी थे, रिटायर हो गए, इंतकाल हो गए। इन्होंने स्काउट एंड गाइड्स का जो वीक मनाए जाते थे उसमें एक ड्रामा खेला था, वो बंगाली का एक ड्रामा था आमिर सिराजी बेगम, उसको उन्होंने उर्दू में उसका तर्जुमा किया था, नवाब सिराजुद्दौला, और ये एक नंबर स्कूल के ग्राउंड पर खेला गया था। मैं समझता हूं कि मालेगांव में पृथ्वीराज कपूर के बाद सबसे बेहतरीन ड्रामा वही था। लेकिन क्या है साहब, हुआ ये कि वो स्कूल के बच्चे जो स्काउट एंड गाइड्स का वो करते थे वही थे, मौजूद टीचर्स थे और वो ऑफिसर्स थे जो ऑर्गेनाइजर्स के भी तौर पर वो काम कर रहे थे, वही थे, ऑर्डिनरी जनरल नहीं थे। आज ड्रामे में आप देखिए कि गौर से देखिए कि बड़े बड़े ड्रामे आप यहाँ आ सकते हैं और आए हैं। पृथ्वीराज कपूर का ड्रामा पैसा यहाँ पर खेला गया, जो उर्दू लाइब्रेरी के फंड के लिए पैसा जमा किया गया था, सेंट्रल टैगिस के स्टेज पर वो खेला गया। उसके बाद ये वैभव थिएटर बना, ड्रामों के लिए बना, लेकिन कभी ड्रामे वहां खेले नहीं। तो ये बड़ी अजीब सी बात है। और जब मैंने कहा ना, मेरी एक शिकायत थी कि भाई इमरान जमील ने भी और वो क्या नाम रिजवान रब्बानी ने भी तहरुफ जब पेश किया इन दोनों ने, तो मेरा नाम नहीं, मुझे मालूम था ड्रामे वालों को कोई पूछते ही कोई साथ बात नहीं हुई। हाँ, ले एक जमाना था जब ड्रामा पारसी थिएटर के मार्फत खेला जाता था, उस वक्त तो ड्रामा के लोगों की बड़ी इज्जत थी, खेलने वालों की भी और खिलाने वालों की भी, इसलिए देखा जाता था। उस पर एतराज ये था लोगों को कि ये खवास के लिए है, अवाम के लिए। तो ड्रामा के तालुक से तो मैं और भी बहुत बोल सकता हूँ, लेकिन मुख्तसर ये कि ड्रामे ज्यादा होते नहीं है, ज्यादा लिखे नहीं जाते, इसलिए कि उसको देखने वाला कोई नहीं मिलता। सिर्फ मालेगांव एक ऐसा शहर है कि मैं समझता हूँ कि यहाँ पर मस्तूरात के सिवा, औरतों के सिवा किसी को ड्रामा नहीं समझता, बहुत यकीन से बोल रहा हूँ। देखिए हमने यहाँ भी बहुत ड्रामे किए, सिराज भाई हैं और अभी कहाँ था वो आसिफ था नहीं, तो ये लोग गवाह हैं कि जब हम लोग ड्रामा करते प्रोफेशनल स्टाइल में जब उसको शो करते थे, टिकट लगा के 2 रुपये और 5 रुपये टिकट होता था सर, तो वो टिकट के लिए भी जैसे अब इकबाल बल्कि साहब आ गए, हमें जाए यार मेरे मैं आऊंगा, हाँ सर आइए ना, लेकिन टिकट नहीं लूंगा। गया एक टिकट, फिर ऐसे ही और लोग आ गए और इन्होंने भी हाँ ये तो जरूर करोगे तुम तो लिखा है उन्होंने कि मुख्तसर को, हाँ तो मैं बस खत्म कर रहा हूँ बात को। तो ऐसे ही होता है, लेकिन आप देखिए गौर कीजिए, आपने भी देखा होगा कि यहाँ पर 2 शो होते हैं, एक जेंट्स के लिए एक लेडीज के लिए। तो जेंट्स के शो में तो फरमाइशी टिकटे और ये उस तरह से हो जाता है, लेकिन लेडीज शो हमेशा कामयाब होता है, इसलिए कि वो बेचारी पैसे देकर आती है, उसका वहाँ पर गेट पर या ड्रामे वालों से कुछ बहुत ज़्यादा उसका ताल्लुक होते नहीं है, तो उन्हीं की वजह से वो स्टेज का खर्च निकल आता है, वरना तो सब ऐसे ही होता है। खैर चलिए, ये ड्रामों के एनिमेट इसके बाद भी इतना सब है, इसके बाद भी मैं ड्रामों से ना उम्मीद नहीं हूँ, ड्रामा ही मेरा पैशन है, ड्रामा ही मेरा शौक है। और हाँ मुख्तसर करता हूँ, खैर चलो, तो ड्रामा आज भी मेरी रगों में मेरी जान की तरह धड़कता है, दिल की तरह धड़कता है, मेरी जान है और मैं उसके लिए, वो मेरे लिए मैं उसके लिए,
और मैं करता रहूंगा, कोई देखे ना देखे, कोई पूछे ना पूछे, कोई पढ़े ना पढ़े, मुझे तारी मिले ना मिले, मैं लिखूंगा और मैंने लिखा है और इंशाल्लाह अब फुल लेंथ लिखूंगा। शुक्रिया, बर्दाश्त किया आपने, बहुत शुक्रिया। हमीद शेख साहब का मैं इस मामले में शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपनी तड़प, अपनी लगन, अपनी जुस्तजू, अपने एहसास का यहाँ बरवाला इजहार किया और तमाम दोहल आपने इस बात का इजहार किया कि आप लिखेंगे और जरूर लिखेंगे और ड्रामे की सिंफ को आप खोलेंगे। बहुत अच्छी बातें यहाँ पर पेश कर रहे थे। आइए मैं और भी कोई साहिबान इजलास में से डॉक्टर आसिफ फैजी साहब यहाँ पर तशरीफ ला रहे हैं। बचपन, पचपन और पंचानवे हर उम्र के अफराद के लिए यकसा मुफीद मुफाद आम्मा का आलम बरदार, ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। रब्बानी द स्कॉलर यूट्यूब चैनल।